बात यह कि पहली लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं? सुनने, लिसनिंग। मैंने वो लफ्ज़ सुना है और वो मुझे आ गया ऐसे चाहिए, और यहाँ पर वो फर्क वो पड़ जाएगा, लेकिन इस तरह से कुछ असम्पशन रखनी पड़ेगी कि अब वो जो बच्चा प्रोफेशनल माँ बाप की औलाद है और वो जो एजुकेटेड माँ बाप की औलाद है और जो वर्किंग क्लास माँ बाप की औलाद है, वो घर से कितने अल्फाज लेके आया, ये घर से कितने, दैट मेक्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। तीन गुना का फर्क है जो आगे तीन चार साल में 9-10 गुना का हो जाता है इन द लैंग्वेज ओवरऑल, क्योंकि उस बच्चे को इतनी ज्यादा वोकैबुलरी होती है, वो छोटा बच्चा जो है तो उधर पे हर जगह से समझ जो अल्फाज है ना दे वो सन वो लेबल बंद कर देते हैं अल्फाज ने बनाए हुए लिए। अमेरिका में ये 14वीं जमात वाले को 16वीं जमात वाले 14वीं वाले को ये बैचलर्स को जनरली वो एजुकेटेड मानते हैं, प्रोफेशनली मानते हैं, इसलिए वहाँ पे MBBS कर रही है, 16वीं को वो प्रोफेशनल और ऑनवर्ड्स मानते हैं, प्रोफेशनल की डिग्री वहाँ पे इस तरह। तो प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड एंड नाम फिर सौ का रखना वेलफेयर तो हमारे पास बच्चे ज्यादा शायद वेलफेयर के ही कुछ शायद एजुकेटेड भी हों, लेकिन एजुकेटेड तो साढ़े बच्चे से पढ़ किया है राइट, वो बच्चे के साथ इंटरैक्ट किस तरह करते हैं, यहाँ पे एक ढेर सारा वो चीज आएगी कि व्हाट रियली वी कैन शेयर विद द पेरेंट्स अ लिटिल बिट अर्लियर। स्कूल आने से 2 साल पहले आप बच्चे को किस तरह स्कूल रेडी कर सकते हो ताकि उसकी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मदर टंग, यहाँ पे वो मदर टंग में आ रहा है और यहाँ पे हमने अंग्रेजी रखी हुई है एंड उर्दू, मैं उर्दू को नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि या तो फिर कौन ने सोच लिया हो कि हमने उर्दू पे काम करना है, अभी तक तो नहीं सोचा। मलेशियन बच्चा अंग्रेजी उस तरह नहीं सीखता क्योंकि वो सोचता ही अपनी जुबान में है और उन्होंने अपने लैंग्वेज रिसर्च के इदारे ऐसे बना लिए हैं कि उर्दू अंग्रेजी को उठा के पड़े फेंके। हाँ, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल रिसर्च आ रही है उस ट्रांसलेशन के इदारे पर, तो हम तो काम नहीं कर रहे। सो वो ये फिर जो अप्रोच है ना कि नहीं उर्दू भी चंगी आनी चाहिए, आनी चाहिए उर्दू से बच्चे को आनी चाहिए, उसे शायरी भी आनी चाहिए, उसे अच्छे अल्फाज भी आने चाहिए, बट द लैंग्वेज ही विल लिव इन द वर्ल्ड इज अंग्रेजी। उर्दू इज ओनली गुड फॉर पाकिस्तानी बाजार्स, दैट्स ऑल। यूटिलिटी अगर कोई नहीं, मैं उर्दू का हूँ, किताबें मुसलमानों की सारी फारसी और अरबी में, उर्दू का उत्तर काम बहुत ज्यादा कि उर्दू बड़ी ज्यादा, और मेरा बच्चा पढ़ता कितने वो, मेरा तो जो जहीन बच्चा है उसको तो मैं नहीं पढ़ा होता है, उसको तो मैं कलम भी सिखाता हूँ, इंजीनियरिंग मेडिकल दंद ठीक करना, जो जहीन बच्चा वो सोशियोलॉजी की तरफ तो नहीं जाता। सो लिहाजा इसलिए काफी सोचने के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा कि यही जाता ठीक अंग्रेजी एंड उर्दू, बट उर्दू की इंपॉर्टेंस अंग्रेजी के बराबर है, खाम खाम रख लेना, आई कांट बी फूल माई सेल्फ। मैंने अपने बच्चे को कल को यूनिवर्सिटी में भेजना है तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैम के लिए, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड थी कि जिनका 80% पोर्टफोलियो रिसर्च का, कोई नहीं तो फिर क्या करें। तो लिहाजा फ्रॉम अ मदर टंग टू ग्रेजुअली ट्रांजिशनिंग टू द चाइल्ड कैन इंटरैक्ट एंड टॉक एंड लिसन एंड अंडरस्टैंड असेंशियल कम्युनिकेशन इन माई लाइफ, कि उसको कहेंगे ओके व्हाट आर यू डूइंग, ओके सिट डाउन वेट फॉर अ व्हाइल आई एम कमिंग, तो ये छोटी छोटी कम्युनिकेशन है, असेंशियल कम्युनिकेशन में आ जाए या हम बदले जाते हैं। वन असेंशियल कम्युनिकेशन ये तुसी दफ्तर में ना गुम हो जाना, असेंशियल कम्युनिकेशन में कि आम इंटरैक्शनल वर्ड्स ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो 25-26 अल्फाज में फिक्रें छोटे छोटे, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करनी है, मैंने रिफ्यूज करना है या एक्सेप्ट करना है, मैंने आपसे इजाजत मांगनी है, मैंने अपनी बात बतानी है राइट। तो वो जो 5-6 आपको दिखा दूँ तो उसके आपके टीचर के पास असर भेजो, इधर मैं टीचर हूँ ना प्लानिंग सेशन पे, इधर वो वोकैबुलरी के वो अल्फाज लिखे होने चाहिए कि ये स्टैंडर्ड अल्फाज जो हमें बोलने चाहिए बच्चे के साथ। लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स वो नुआंस का वो रोला है, लेकिन हमने बच्चे के साथ एक किस्म की सिंप्लीफाइड, और जिसके लिए रूल ये है, मैंने उस रूल को MEM ने अपने तौर पर बना लिया याद करने के लिए, क्लियर लाउड एंड रिपीटेड।
तो मैं टॉयलेट के 50 अल्फाज क्यों इस्तेमाल करूं कि कब ओके वॉशरूम से हुआ ओके टॉयलेट से हो रहा ओके लेफ्ट से हो ना लेट मी जस्ट अडॉप्ट वन सिंपल वर्ड ताकि बच्चे को समझ आए बाकी तो पता चल जाएगा कि चीजें कहीं ना होती आसानी से तो वो वोकैबुलरी क्या है और उसको ट्रांजिशन कैसे करना है बच्चा यहाँ पे अभाव चूंकि पता है कि बच्चा लिसनिंग से सीखता है ओके फाइन इसका मतलब जो हम बोलते जाते हैं बच्चा सीखता है लेकिन वो हर चीज़ तो नहीं सीखता अब बच्चे को ले आए पांचवी के बच्चे तो उनके अंदर ना तो कोई नहीं आता था हो सकता है इसका भी आता उसको लेकिन उससे प्लग का नाम नहीं आता होगा तो प्लग को इंटरेस्ट की शायद नहीं हालांकि प्लग का कई दफ़ा भारी जिक्र भी होगा उन्हें तो इसका मतलब ये कि वो सिर्फ लिसनिंग से नहीं है लिसनिंग ऑफ हर इंटरेस्ट कहीं आपने उसके साथ ग्लू नहीं की वो लिसनिंग या उसको एसोसिएट नहीं किया या उसके काम के साथ या उसके प्ले के साथ रिलेट नहीं किया तो फिर लिसनिंग तो बचा करते रहे उसकी लिसनिंग सो इट्स शी लर्न दोज वर्ड्स ऑटोमेटिकली व्हेन शी लिसनड एंड समहाउ द थिंग और द ऑब्जेक्ट वाज ऑफ हर इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ अगर मैं वो एजुकेटेड और प्रोफेशनल वाले हूँ तो फिर तो मैं ग्रॉसरी स्टोर पे जाना और खाना खाना और एवरीथिंग आई एम इंटरैक्टिंग विद द चाइल्ड इज विद द माइंडसेट कि मैंने बच्चे को आगाही देनी है चीज़ों के नामों की तो हमने जो चीज़ हमें समझ आई ना वो ये है कि वो जो उससे हम बात भी कर रहे थे कि खैर उसकी स्कॉलर अजीब गरीब सी तशरीह करते हैं लेकिन असली सादा जी तशरीह कर ली अल्लाह अस्मा अकुल्ला हमने आदम को चीज़ों के नाम सिखाए Let me start with जो नाम आते हैं चीजों के लेबल्स उसको अपनी जुबान में चीजों के नाम आते हैं मेज है पेंसिल है फ्लानिश है अब मैं उसको चाहता हूँ कि उसको वो जो लेबल्स हैं नाम हैं वो उर्दू और अंग्रेजी में भी आए यही बात है तो इसका मतलब है कि मैं उसके साथ अपना इंटरेक्शन कुछ इस तरह से डिजाइन करूंगा इन द फर्स्ट मंथ एंड द फर्स्ट टू मंथ There's other enablers जो मैं बताता था कि वो जो नाम है ना वो मेरे और बच्चे के इंटरेक्शन में किसी तरीके से वो गुजरे और बच्चे की उसमें इंटरेस्ट पैदा हो ताकि उसे वो नाम आ जाए आई एम नॉट टॉकिंग सेंटेंस मेकिंग जस्ट नेम्स ऑफ द थिंग्स मसलन ओके टेबल पे बैठ जाओ नीचे कारपेट पे बैठ जाओ मैंने तो टेबल और कारपेट उसे सिखा दिया ना यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद योर मदर टंग इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात है विच मेरे ख्याल वो रिसेंटली भी डिस्कस करती है हम ज़रा प्रोसेस सीख लें ओवरऑल कि वो उसके बाद जो ओवरऑल एक पैराडाइम या इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना वो टोटली मुख्तलिफ है वो है कि टीचर का इंटरेक्ट करने का तरीका क्या है उसके साथ वो नहीं ठीक किया ना तो कॉन्टेंट सारे भी ठीक कर लिया प्रोसेस भी ठीक कर लिया तो इट्स ऑल यूजलेस अब उसकी और अगर मैंने टीचर बच्चे के साथ इंटरेक्शन का तरीका ठीक कर लिया तो मेरे कंटेंट में अधूरे अधूरे भी है ना तो मुझे रिसर्च टीम के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई लेकिन मुझे बता दिया गया कि दैट इज हाउ यू प्रेजेंट फिनिश क्योंकि एडल्ट जो है ये तीसरी क्लास के बच्चे को आपने कोई बहुत वोकैबुलरी नहीं देनी उसको तो वोकैबुलरी ही देनी है जो उसके इर्द गिर्द है वो अपने पहले से वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब बच्चे को सोचे तो बच्चे के इर्द गिर्द की क्या रही है वन वी शुड नो द चाइल्ड फिलोसफी विच इज प्ले वो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दी हुई है कहीं सूरह हदीद में आलम व इन्नमल हयात दुनिया अल्लाह हु अल्लाह हमने आपको क्रिएट ऐसे किया है यू विल टेंड टू प्ले ये मतलब ये नहीं कि प्ले आ जाती फिर खत्म हो जाती प्ले कंटिन्यूज टिल योर लेकिन प्रोमिनेंट शुरू में जो आपका जज्बा होता है वो प्ले का होता है बट इट कंटिन्यूज जो आप इफ्रानियाँ चला रहे हैं नए अच्छा टाइप कर रहे हैं प्ले ही कर रहे हैं ये मैं घोड़े भी दौड़ा रहे तो एक्चुअली दैट्स द प्ले इनसाइड मी It never finishes, but और जैसे तकाशन वाले पे ऊपर आते One child wants to play, right? ये आप इग्नोर करके तो खत्म प्ले का फिर मतलब मोशन नहीं है ना मतलब हरकत इस बच्चे की जो लर्निंग है उसका मूवमेंट के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है उन्हें से बोले ना यूनिवर्सिटी वाले बच्चों बैठे हैं करके तो सुनी जा रही है जी सुनी जा रही Yes, we are learning. In an optimal way. Child does not learn when you stick the child to the seats. It doesn't. So, wait, I'm going to go to the bar, I'm going to go to the bar.
तो लर्निंग का मोशन के साथ कोई ताल्लुक है, एक गल टीचर को समझानी पड़ी, काफी सारी चीजें आ गई। दूसरा लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन इसको आइसोलेशन में ना देखिए, इस एंटायर लर्निंग इज एन इमोशनल प्रोसेस। जो हमारे टीचर जो थे ना काफी सारे आउट ऑफ दोस 98% वो अन इमोशनल तरीके से पढ़ाते थे, चाहे मैथ पढ़ा रहे हो चाहे साइंस पढ़ा रहे हो, आपके न्यूटन का कानून बताया, नो जोक नो ह्यूमर नो कनेक्शन नो स्टोरी नो फन, लेकिन वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते चले गए, यूजलेस टोटली यूजलेस। आपने मुझे तरीका बता दिया है, ये हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव इज दैट माय चाइल्ड लव्स रीडिंग, ही लव्स टू रीड। ये अगर है कि ही कैन रीड तो यू हैव डन नथिंग। तो वो तरीका तब आना है, तो जो पहली बात होती है वो ये है कि टीचर उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, इमोशनली कनेक्ट कैसे करता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्टेंट से भी ज्यादा कि वो आप इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं, या ये स्वाम उर्दू बड़े लोग कहते हैं ना आपसे बड़े होकर रेपो बना देंगे, बच्चे के साथ रेपो बनाना टीचर के शायद कोर्स में नहीं है, क्योंकि ना रेपो नहीं बनाई तो फिर हार हुआ ही। मैं पुराने बाबे भी यही कहते इन रेसिपिएंट तक इमाम गजाली की कॉल कर उसी तरह की अब तशरीह समझ है, ट्रांसफर ही नहीं होता जब तक रेसिपिएंट ये महसूस ना करे कि देने वाला मेरा हमदर्द है, रिस्पेक्ट। अगर वो ये महसूस करता है कि यार ये तो सिर्फ लदीम के टॉप कर ददा वडदा आता है ऑन द रिस्पेक्ट का मैं तो नहीं करता, एक्चुअली शी डजंट लिसन। रीजन ये है कि वो हम बच्चे के लिए कुछ चीजें हमने एसोसिएट की हुई जो बड़े के लिए नहीं की हुई, मसलन वो नदीम के टॉप कर ददा वडदा लेता है वो गुजर है नदीम का तो मैं स्माइल करता हूँ, दूसरे आते हैं तो मैं इग्नोर कर भी जाता हूँ कॉरिडोर के वैसे ही ना जाना। आप सोचिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप गुजरे हैं तो पता है कि फलाना बट ही डज यू लुक एट इट डू यू थिंक इट्स इट्स फेयर। ये हो गया रोल, ये ज्यादा मैं तो इसमें उन रोलों को देखा है ना तो दुनिया के टॉप स्कूल देखे तो दे आर हार्डली कंसर्न कि बहुत बड़ी रिसर्च टीम हो और बड़े बड़े वोकैबुलरी और इंटरेक्शन, नो हाउ वेल टीचर कनेक्ट्स फिनिश हाउ टू कनेक्ट उसके टीचर को कुछ 10 12 20 टूल्स उसे बताने चाहिए हाउ टू कनेक्ट वो आई। लेकिन हम पहले कॉन्टेंट की बात कर लें, हाउ वाली बात पे कनेक्ट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं फिर भी दूसरे नंबर की मिसाल ऐसी देता हूँ कि वो बड़ों को तो डांट डपट कर लिया करते थे इन हिज ओन मर्सीफुल वे, बच्चों के साथ कभी उसने उन्होंने की एक ही दफा बता दिया टेल मी एनी वन इंसिडेंट जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के साथ फ्राउन ही किया हो इग्नोर ही किया हो, नो बड़ों के साथ किए। हजरत आयशा ने किसी की कह दी कि वो तो इस तरह है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन इसी तरह डांटा कि आयशा ये तेरी बात अगर समुद्र में मिला देना समुद्र का पानी कर दो मुझे अब इट्स वेरी सख्त। उनका तरीका वो तर जो है ना वो इंट्रिंसिक ह्यूमन वैल्यू को तो नीचे कभी नहीं आने देते, इसी तरह कोई नहीं नंबर के साथ कोई नहीं सब सब झाड़ पड़ी बच्चे सबक राम सब के अवसर को जो फिर मुझे बहुत था वो फिर पॉइंट आउट नहीं करते थे, कहते कि लोगों को क्या हो गया है कि वो ये कहते हैं, लोगों को क्या हो गया है, दिस वॉज अजमी सुसलम टिपिकल सेंटेंस जनरलाइज कर देते थे बंदे में पॉइंट आउट, हम उसको नाई का पुत्र कहते साइड पर करते थे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन। अब ये छोड़ दें बड़ों के साथ एडल्ट इंटरेक्शन हम उसकी बात हम बात करें कि बच्चों के साथ क्या करना है, वी एडल्ट्स हाउ डू वी ट्रीट अवर चिल्ड्रन, ओके हाउ हैज प्रॉफिट ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन अराउंड हिम, पांच छह बच्चे तो हैं जो बड़े क्लोज हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं आपके साथ में बैठे रहते हैं, नज़रुसलम चले भी जाते हैं बाहर मोटर तो सो जाते हैं, हजरत हसन हैं हुसैन हैं बच्चियों में भी हैं उम्मे खालिद हैं आ जाते रहते हैं। हाउ डिड ही हजरत अनस कहते हैं मैं 10 साल रहा हूँ मुझे नहीं याद कि एक दफा काम ना करने पर मुझे डांटा गया, काम ना करने पे आए उन्होंने मुझे बताया एक्सप्लिसिटली और मैं इग्नोर कर गया एंड आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने आपको एक दफा मुझे भेजा हो किधर गए मैं बाजार में जाके आपने लाया था कि उन दिन में काम करने चले गए नहीं आए काफी देर खेलना शुरू करते सवेरे ही बेटे से दुखी हो गए खुद तो खेल रहे थे उन्होंने देखा उसे दौड़ लगा दी उसे मुस्कुराए वापस आए
कहना जल्दी कर वापस तेरे कुछ भी नहीं था तालु किस किस्म का था कि ऐसे कहना बाद में शायद 80-90 साल जिंदा रहे कहते कोई एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में ना आए एवरी नाइट और कनेक्शन चाइल्ड का है ना हिज मदर प्रेजेंटेड अनस एज अ कि ये यार तो मेरे बहुत अच्छी है बच्चा जड़ा नहीं तोड़ तो गिफ्ट है तोड़े डोटा ने करे कम ये ही रिलेशनशिप है और बाकी बच्चों का भी देख बैठे हैं मंबर से पलपेट पे सरबन दे रहे हैं जो बच्चा आया जो भी है उठ के चले गए बच्चों ने अब हजूर सलम का रोल क्या है आना वो इसको मुअल्लिम आई हैव बीन अपॉइंटेड एज टीचर अगर वो रोल नहीं ले सकते तो फिर तो फायदे भी नहीं बड़े भी यही समझते थे हजरत सलम की कंपनी में कि ऐसे लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं तो बच्चे भी यही समझते थे कि यार वही यार ग्रुप डॉग किस किस्म के मजाक करते थे मैं जा रहे थे तो एक बच्चे हजरत सलम ने पानी लिया कि थोड़ी मुंह पा के कौन सा तो मैं भी नहीं कर सकता अभी बच्चे तो ऐसा क्या आज टीचर करेगा ओके मेरी बेइज्जती हो जाएगी ज्यादा फ्रैंकिंग होगी तो वो बच्चा कहते कि नहीं वो फिर हजूर ने अपने साथ कनेक्ट करना था ना द फर्स्ट थिंग इज हाउ कुड यू कनेक्ट एंड इट्स नॉट वन टाइम इट्स लाइक डेली बेसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है ना वो है कि हाउ आई एंटर द क्लास मैं पहली क्लास से एंटर हो गया हूं तो मैं कोड़ा मुंह बना यू हैव सेंट अ रॉन्ग मैसेज ऑलरेडी आपने लर्निंग के प्रोसेस को 90% तबाह पहले ही कर दिया है by not smiling and by making a grim face. उसके बाद आप ना दें तो बेहतर है दफा में बात करें आप अपनी बीवी के साथ लड़ के आए फाइन गुड फॉरगेट अबाउट इट एंड क्लास से पहले अपना मुंह धो के प्रदूषित करके हैव अ स्माइल हमारे बच्चे क्यों आस्ता 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 बढ़ गए हमें पता है ये टीनेजर फिनोमेना आ गया फलाना आ गया उम्र साल पर इंटरेस्टिंग बढ़े टीनेजर तक ग्राम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई घर जाते हैं तो वो छोटा बच्चे को उस वक्त हम स्माइल और हग की बजाय अपनी बीवी पे रोक बनाने के लिए ये कह रहे थे यार मैं बहुत थक गया बड़ा काम लगा तो रोटी पकाते रहूंगा जस्ट दैट साइलेंट और ग्रेम एंड नॉट स्माइलिंग फेस This is what disconnects our child gradually और अगले दिन वो expect ही नहीं कर रहा होता कि आप उससे हंस के बात करें तो small child फिर तुझे कह दे यार हम बच्चे गाल के नहीं सुनते क्यों सुनो आप जब घर में आते थे थक के the your thickness was disastrous because जब आप आते थे तो आपने you should have paused and smiled हजूर सब थोड़े थक के आने से तो घर आने से No, the first thing is you have to smile. You know, oh wow, Sam, I'm walking down. Very good. Irrespective. तो हमारा कनेक्ट डेली का खराब है घटिया है इंतहाई अनैतिक है छोटी विद आवर चिल्ड्रन विद आवर वाइफ सो वो ह्यूमन इंटरेक्शन बच्चों के साथ जो है ना ये असल में सबसे बड़ा मसला है इफ यू हैव टू एड्रेस वन दिस इज द वन बट लेट्स सी द प्रोसेस इन डिटेल प्रोसेस ये है कि वोकैबुलरी मेरे पास सारे बेजोड़े हैं मैं थोड़ा सा आपको स्लाइडों में से आपको बुला सकता हूँ लेकिन वो एक एक गल बड़ी जिमनी ली है असल गल ये है कि टीचर के इंटरेक्शन में वो पांच चीजें छह चीजें कौन सी विच मेक हिम कनेक्टेड वजह पता क्या है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट विद इट ये जो बच्चा है ना असली कस्टमर को समझे कोई नहीं इनके बस के सब तो इम्पोर्टेंट है जो मैं समझ रहा हूँ जो समझ आई है सर करके इनके ढेर सारी एनर्जी The pent-up energy in the child is huge. She wants to move and discover and go for it. तो जेठा बाबा जब मेरे बगैर खड़ा करते हैं ना ये खातून, वो adult है, right? उसका energy level far far below energy level of the child है in terms of making fuss and chaos. कर सकते हैं सब adult नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें discovery का जो जस्ट भाई के पास है हमारे बच्चे हमें नहीं पता ना कि वो इसीलिए खिलौने से तंग आ जाते हैं या इस तरह जा जाते हैं और आगे चले जाते हैं क्यों ये डिस्कवर ना हो नेक्स्ट दे गेट बोर्ड वेरी क्विकली बिकॉज़ दे हैव डिस्कवर्ड व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड
अनलेस के आप उसको क्लिक करें कि नहीं करें, क्या होता है कि तो दिखता है वो लगे बाद में उस फील्ड पे आएंगे तो, लेकिन दे हैव अ ह्यूज पेंट अप एनर्जी। वो एनर्जी के लेवल पे बच्चा ऐसे खड़ा है ऐसे, और टीचर ऐसे खड़ा है क्योंकि वो अडल्ट है और उन्होंने जन लग गए। नो, यू हैव टू कम अप टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी लेवल दैट यू एग्जिबिट इन द क्लास, ओनली देन यू कैन टेक हिम अलोंग। अदरवाइज तो वो फिर आपके जाने का इंतजार कर रहे हैं कि मैं वो एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर दूँ तो ये बच्चे ने मारा नहीं। Teacher who cannot be that energetic should not be in this class. Please, the language. On the good day, section is now doing good. I mean, I don't know if it's allowed, but he only said that it's allowed. दूसरी जो चीज़ मेरे आज मेरे रात्रि में मैं देखा था कि यार मैं तो उन तक के दो ही ये समझे तो वो teacher वो बाद आपको दिखाऊंगा आपको इसे वो energy level किस तरह exhibit कर रहा था हम दूसरी दूसरा मैं सोच रहा था कि ये बच्चा सारी सेंसेस से सीखता है, पांचों सेंसेस से। असी उनसे फाड़ियों ना सिखा रहे हैं, उन्हें आई गाड़ी खाने, क्या हम इसकी ये फिर बात उसी से रिलेटेड है, अब उसे कोई एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन ही इज लर्निंग फ्रॉम ऑल इट्स सेंसेस, फाइव सेंसेस और जितनी हमें ऊंचे हिसाब पाठी होगी होगी। अगर मैं इन सारी सेंसेस को ऑप्टिमली इस्तेमाल नहीं करता विद ऑडियो विद एवरीथिंग, और मैं उस लेवल की एनर्जी और इमोशंस खुद अच्छा हम बच्चों में कैसे क्रिएट की जाए वो एनर्जी, हाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आर यू योरसेल्फ इन द राइट मूड। आपके जिस्म से और एनर्जी से और आवाज की टोन से लगता है कि यार लेट्स हैव अ फन, अगर वो नहीं लगता अच्छा कल ए फॉर एप्पल पढ़ा था तो आज अच्छा सही सुना कल वाला कोई सबक सुनाएगा ये भी बात मतलब तू थक रहा है आगे फिर वो इतने नहीं है मैं बुला लिया है अपने ऑडियंस को टिकट के पैसे दे दिए टू बोर देम, दे डोंट वांट टू गेट बोर्ड। ऑब्जेक्टिव में टीचर के वो चीज ट्रांसफर करना है इन ऑल गुड इंटेंट बट विदाउट फन, यू इसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। ही वांट्स टू लर्न विद एंजॉयमेंट एंड फन, he has a huge energy which you have to pull in and he learns from various things. Kabhi aap usko karke dikhayenge, believe you me, ye sare ke liye aapko koi kitab nahi chahiye. Aap bacche ko take and small and share and sikha sakte hain, haathon se sikha sakte hain. Wo mental image bachcha itni zabardast banata, bachcha tak soti hi karke phir na mera ghoda koi nahi banta because his imagination is too concrete. ऐसी कहना नहीं चिड़िया घर नहीं जाएगा तो सीखेगा नहीं, बिलीव यू मी कुछ वो तो यू एज यू आर टेलिंग द स्टोरी द चाइल्ड एक्चुअली रीचेस देयर फैंटेसी। वी आर ये सारे हमने ह्यूमन में सीख के ये छोटी छोटी टार्जन द स्टोरी एंड फैंटेसी लिख की जी घर बनी हुई उस घर का काम तो कोई नहीं, फिर चार लिखियो ने फिर ऐसे एक निका जहा शेर बने हुए वाई समटाइम्स वी डोंट पॉजिटिव। वजह यह है कि बच्चा हालांकि वो निकी जी गंदी चीज में काली चिट्ठी एक्चुअली वहां पहुंच जाता है वो और आगे अगावी और स्टोरी टेलिंग में नहीं आती, वी डोंट नो हाउ टू टेल स्टोरीज। तो ये ऐसा चीज है लेकिन कंटेंट पहले कर लेने वो मैं उनते हूं मे बी आई स्टार्ट अपसाइड डाउन, आपको एक अदर टीचर दिखाऊंगा इस टीचर ने केड़ी साइंस की थी तो वो बच्चे नु पंजी लफ सिखा सकते, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। हां यस यस मैं आज बैगली इंशाअल्लाह तलाल का मंगेंगे सोच रहा हूँ बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच फॉर इट। हाँ जरूर मॉक एंड यू विल स्टेज पे भी सोच रहा हूँ Hurr, 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 hur
ओके अब उन्होंने जाहिर वो संस्कृत भी इस्तेमाल की वो अलर्जी भी इस्तेमाल की है तो सभी हैज नेवर रिस्पोंडेड बट आई हैव इलिसिट रिस्पांस बच्चे को नहीं पता ये उसको पता है